साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। देश में एक बार फिर मोदी सरकार के आने के बाद सभी सुस्त पड़ी योजनाओं को फिर से पुनर्जीवित किया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान जोरों पर है। प्रधानमंत्री ने देश की सभी पिछली सरकारों और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों द्वारा सफाई को लेकर किए गए प्रयासों की तारीफ और जोर देते हुए कहा कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति या अकेले सरकार की नहीं बल्कि देश के 125 करोड़ लोगों की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, लेकिन उसे आगे ले जाने वाले बहुत से लोग। अकेली सरकार किसी भी अभियान को सफल बनाने में समर्थ नहीं है, उसके लिए हर एक व्यक्ति को सजग होने की जरूरत है। सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने कुछ शहरों समेत वार्ड की साफ सफाई को लेकर सजगता को देखते हुए उनकी सराहना की, साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया। और आज जिस वार्ड के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है वार्ड 26। जी हाँ, मेरठ शहर का वार्ड 26, जिसे 23 दिसंबर 2018 को साफ सफाई स्वच्छ प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला। वार्ड 26 की सफाई को देखते हुए पार्षद सुनीता रानी को जिलाधिकारी अनिल ढींगरा, नगर आयुक्त मनोज कुमार चौहान, नगर स्वास्थ्य अधिकारी गजेंद्र सिंह ने अवार्ड दिया। लेकिन शहर के 90 वार्ड में से जिस वार्ड को सबसे ज्यादा स्वच्छ रहने के लिए अवार्ड मिला, उसकी स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। ये काफी चिंता का विषय है। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि कुत्ते, सुअर, गाय और सांड के साथ साथ अब घोड़े भी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, जिन पर ना तो कोई रोक लगती दिखाई दे रही है, ना ही नगर निगम इसके लिए कोई कदम उठा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये आवारा पशु शहर के वातावरण को गंदा कर रहे हैं। इसके साथ ही इन जंगली पशुओं से सड़क पर दुर्घटनाओं का भी डर बना रहता है। वार्ड नंबर 26 को 23 दिसंबर 2018 में अवार्ड दिया गया। 90 वार्ड में से इस वार्ड को अवार्ड मिला कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सफाई मिली, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रयास हो रहे हैं 2018 के बाद? मैम, उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है रात दिन कर्मचारी हैं, जो हमारे है सीवर वाले, उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहते हैं, और जहाँ से कंप्लेंट आती है हम खुद जाके वहाँ पे देखते हैं, सफाई कराते हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में कोई शिकायत ना मिले और सफाई अभियान हमारा चलता रहे बराबर। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि कहीं कहीं गलियों पर, चौराहों पर अभी भी कूड़े का पूरा ढेर है, जो साफ होता है लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये किसकी हरकतें हैं जिस पर लगाम नहीं लगी जा रही, या फिर क्या ऐसी वजहें हैं जो वो पूरी तरीके से वहाँ से समस्या हल नहीं हो रही? मैम, ये तो देखिए, अभी क्षेत्रवासी जो हैं हमारे कोठी में काम करती हैं, जो काम वाले काम करती हैं, अभी कूड़ा उठवाते हैं, अभी 9 बजे कूड़ा उठेगा, आके देखे आधा घंटे बाद फिर ऐसे डाल देते हैं, पन्नी भर भर के लाते हैं, घरों का कूड़ा निकाल के वो डाल देते हैं, जबकि डोर टू डोर बराबर गाड़ी भी आती है, ठेला भी घूमता है, और ट्रॉली भी हम मंगाते रहते हैं, पर क्या करें मैम, जनता को तो नहीं रोक सकते। और आवारा पशुओं का क्या है, क्योंकि कहीं पे घोड़े, कहीं पे गाय, कहीं पे कुत्ते, बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये इस पर जो गाड़ी है उसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि आवारा पशुओं को ऐसे गली में घूमते रहना, बच्चे हैं, हर तरीके से परेशानी होती है, तो उस पर क्या रोक? उस पर तो ये है, जो कांजी हाउस वाले होते हैं वो ही ले जाएं पशुओं को, और पशुओं का कुछ कर नहीं सकते, वो सब प्रतिबंध लगा हुआ है पशुओं के साथ भी, हैं उन्हें मार नहीं सकते हैं, उनके काटते हैं, वो घूमते हैं, तो मेनका गांधी जी ने उन तो वो लगाया हुआ है कि पशुओं को कुछ कह नहीं सकते। तो यही है कि नगर निगम से भी नहीं आती, पहले कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आती थी, पकड़वाते थे, अब नहीं पकड़ सकते। यहाँ तक कि मैं वापस उस पर आती हूँ, 23 दिसंबर जब आपको ये हमारे वार्ड को जब अवार्ड मिला, इस वार्ड की बात स्पेशली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 90 वार्डों में सिर्फ इस वार्ड को इतना बड़ा अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ सरकार ने बोला कि 11 लाख रुपए अगर आप इस पूरे क्षेत्र में लगाना चाहें, कोई काम करना चाहें, तो 11 लाख की धनराशि जो है वो सरकार आपको मुहैया कराएगी। तो क्या योजनाएं ऐसी बनाई जा रही हैं कि उस राशि का सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए, या फिर ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जहाँ पर वो राशि सही तरीके से उपयुक्त हो सके? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि वार्ड में जो है एक ऐसा कक्ष बन जाए हैं, जहाँ कर्मचारी भी बैठ सकते हैं, हैं और पार्षद भी बैठ सकते हैं। कहा भी था, सरकार ने कहा था कि सब पार्षद कक्ष एक बना के देंगे उनको, जिनको उनका सामान भी रखा जाए, सामान रखने की भी जगह नहीं होती। तो हम तो चाह रहे हैं कि इस तरह से एक हमारा कक्ष बन जाए कहीं, जिसमें कर्मचारी अपना सामान भी उसमें रख दें और बैठ भी जाए उसमें थोड़ा सा, तो वही पूरा हो जाएगा, वही बहुत है उसमें 11 लाख।
तो इस तरीके की कोई सुविधा भी नहीं है, कोई कक्ष नहीं बना हुआ है, वो जो सामान सफाई का या फिर कई चीज़ होती है, झाड़ू होता है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन सब चीज़ों को रखने के लिए कोई जगह अभी फिलहाल नहीं है। कहाँ रखते हैं? अभी फिलहाल नहीं, अभी तो इधर रखते हैं, कुछ सामान तो हमारे यहाँ घर में हम यही रखवा लेते हैं, हमने यहाँ और कुछ इधर उधर रख देते हैं। आपको बता दें कि इस वार्ड में सांसद, विधायक और जिला पंचायत सदस्यों के भी निवास स्थान हैं और शहर की गंदगी को ढोने वाला सबसे बड़ा नाला भी इसी वार्ड से होकर गुजरता है। शहर का सबसे व्यस्त चौराहा तेज घड़ी चौराहा भी इसी के अंतर्गत है। सुबह लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, लेकिन अब उनका निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि शहर में ये नाला और इसकी बदबू लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पार्षद का कहना है कि वो साफ सफाई की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि गंदगी की स्थिति वही की वही है। जो रास्ते शहर की पहचान है, वहीं पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब ये काफी चुनौतीपूर्ण बात है कि जिस वार्ड को एक समय पर स्वच्छता के लिए अवार्ड मिला, अब उसकी गली गली में कूड़े के ढेर जमा है। क्या वो स्थिति से बाहर निकल पाएगा? सवाल बहुत से हैं, लेकिन एक सवाल जाते जाते आप लोगों से कि क्या आप अपने शहर को साफ रखने के लिए कुछ कर रहे हैं? विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा। नमस्कार।